और ये खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आपको बता रहे हैं, जहां पर 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बद्दो की लगभग 1.25 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। डीएम ने आलिशान बंगले की जमीन और मलबा भी कुर्क करने के आदेश दिए हैं। लगभग बदन सिंह बद्दो 2 साल से फरार चल रहा है और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बद्दो की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई का दौर जारी है। बद्दो के अवैध बंगले की कुर्की और ध्वस्तीकरण के बाद अब जमीन पर भी सरकारी कब्जा कर लिया गया है। थाना टीपी नगर क्षेत्र के पंजाबीपुरा इलाके में बद्दो की कोठी को गिरा दिया गया था। उससे पहले कुर्की नोटिस भी चस्पा किए गए थे और अब जो उसकी और तमाम बची हुई जमीन है उस पर सरकारी बोर्ड लगेगा, यानी उत्तर प्रदेश सरकार उस तमाम जमीन को, तमाम संपत्ति को अपने अधीन कर लेगी। बता दें कि 2.5 लाख के नामी मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो ने मेरठ के होटल मुकुट महल से भागकर पुलिस को बड़ा चकमा दे दिया था। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार माफियाओं पर कार्रवाई करने में जुटी है। इसी क्रम में बद्दो के आलिशान बंगले को ढहाने के बाद अब बद्दो के अवैध बंगले की कुर्की और जमीनों पर सरकारी कब्जा करने की तैयारी चल रही है। तो ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो कदम उठाया जा रहा है, उस कदम के तहत अब बद्दो के आलिशान कोठी को गिराने के बाद अब उसकी और तमाम अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। और इससे संबंधित पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है, ये भी अब सुनना जरूरी है। 2.5 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो, जिस पर 43 मुकदमे पंजीकृत हैं, उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत उसकी तकरीबन 1.25 करोड़ की संपत्ति को, जो कि अचल संपत्ति है, उनके आदेश के क्रम में जब्त कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई में क्या इसकी अपराध से अर्जित जो अन्य संपत्तियां हैं, पुलिस उस पर भी काम कर रही है। ज्यों ही उसके अच्छे और प्रमाणिक साक्ष्य मिल जाएंगे, उस संपत्ति का भी जब्तीकरण किया जाएगा और इसकी गिरफ्तारी के भी सारे प्रयास किए जा रहे हैं।